हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक नई अनबॉक्सिंग करूँगा मैं, और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये भी एक स्पेशल अनबॉक्सिंग है। एंड चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस, ये है जारा, और ब्रांड देख के ही आप पता लग गया होगा आपको, जारा। और आपको पता है, इसके पहले भी मैंने जारा के शूज़ अनबॉक्स किए हैं। सेम शूज़ है, मतलब सेम ब्रांड के शूज़ हैं, सेम बॉक्स है, सॉरी सेम शूज़ नहीं है। ये देखो आप, ब्रांड का है ये डब्बा, सेम पहले जैसा। तो चलो इसको खोल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ इस बार कैसे शूज़ आए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, तो किधर से खुलेगा ये? ये भौंकने की आवाज, एक नया मेहमान आया है, वो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल पे देख सकते हो उसकी है। इधर से इनबॉक्स होगा ये गाइस। तो ये देखो, ये इसकी सील हटी, ये मैंने इसको अनबॉक्स किया। एंड ये पहले वाले की तरह नहीं खुल रहा है, ये कुछ अलग तरीके से खुल रहा है। पहले वाला इस तरफ से खुल रहा था ये, या फिर मैंने शायद गलत खोल दिया है, पता नहीं क्या हुआ। नहीं, इसकी यहाँ पे भी सील है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये देखो, और तो रेडी हो गाइस देखने के लिए? हाँ, आप दो ना, आप दो ना। डब्बे को हम साइड में कर देते हैं। एंड सेम पहले की तरह ही यहाँ पर एक सील है, एक रैप है, उसके ऊपर सील लगी हुई है। तो चलो इसको हटाते हैं। ज़ारा की एक बात है, पैकिंग बहुत अच्छी है। ज़ारा की क्या बात है, वो तो कोई भी बड़ा ब्रांड होगा, उसकी पैकिंग वैसे भी बहुत अच्छी आती है। एंड ये देखो गाइस, ये हैं जरा के स्नीकर्स, हाई टॉप स्नीकर्स। तो देखो गाइस कैसे लगे आपको। एक बात तो है, ब्रांड के स्नीकर्स पहनने का मजा ही कुछ अलग है। मैं ये रैप हटा देता हूँ साइड में। एंड मैं आपको ये शूज दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, तो मैं इसका ये टैग भी हटा देता हूँ जो एक साथ जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे देखो, ये ज़ारा की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे देखो गाइस, कितने बढ़िया शूज़ हैं। एंड यहाँ पे इसकी MRP लिखी हुई है, मेरे को भी ये इतने के ही पड़े हैं, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, सेम इतने के ही पड़े हैं ये। कितने अच्छी फिनिशिंग है, इसके कलर टोन देखो कितना अच्छा है, इसका सोल। यहाँ पे भी ज़ारा की ब्रांडिंग है गाइस, एंड हाई टॉप स्नीकर्स है। ये मैंने खुद ज़ारा के स्टोर में जाके भी ये शूज़ देखे हुए थे एंड ट्राई किए हुए थे, लेकिन मैंने वहाँ से ख़रीदे नहीं। एंड ख़रीदने का कोई सीन नहीं हुआ क्योंकि हम वहाँ पे घूमने गए थे, अल्फा को लेने गए थे इस वजह से। एंड ये देखो गाइज, अंदर से ये येलो कलर का है एंड काफ़ी सॉफ्ट फॉर्म है यहाँ पर। तो कैसे लगे आप लोगों को ये शूज़ बता देना। मैं इसके कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स भी आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। एंड होप आप मेरे को सपोर्ट करोगे 1,000 सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में बहुत जल्द, प्लीज़ बेटा। नहीं, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एल्फा भौंक रही है बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ आई है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। हाँ तो गाइज, ये जो भौंक रही थी ये रही अल्फा। बेटा क्या हो गया? ये देखो, ये देखो, देखो देखो गाइज, इसकी मस्तियाँ देखो। इसीलिए ये भौंक रही थी, इसको ऊपर चढ़ के देखना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं लुधियाना से लेकर आया हूँ इसको, और अगर इसके बारे में आपको पूरा देखना है तो आप व्लॉग में देख सकते हो। ठीक है बेटा, क्या खा रही है बॉल? ये फ्रेंच बुलडॉग है गाइस।